जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में शासी निकाय गवर्नेंस बॉडी की बैठक जिलाधिकारी केवीएन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्व निर्धारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडेन ने बताया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए संबंधित विभाग अपने कार्य योजना तैयार कर सीएमओ को उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन रोगों की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी विभाग व्यवहार परिवर्तन तथा प्रचार प्रसार की भी व्यापक योजना बनाएं, जिससे जन सामान्य तक भी सूचनाएं सुगमता से पहुंच सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, इसलिए 3 दिन के अंदर प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने JEAES बीमारी के नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी तालाबों के साथ जल जमाव स्थलों पर गंबुजिया मछली डाली जाए तथा ताकि मच्छर पनप ना सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय का इस बैठक में स्वागत है। आज 2 बैठकें संचारी रोग नियंत्रण माह चलेगा और 15 जुलाई से 31 जुलाई तक 10 तक अभियान, उसकी भी GTF कर दी है। अन्य विभाग को भी इसलिए हमने बुलाया है। पहले हम अनुरोध करेंगे कि हम लोग GTF कर लेते हैं, जिससे हम अन्य विभाग को छोड़ दें। विभागों के कार्य पूर्व की जैसे कार्यरत हैं, जो इस बार जो बदलाव हुआ है COVID-19 इस वैश्विक महामारी संक्रमण को देखते हुए, वो मैं सबसे पहले पॉइंट आउट कर रही हूँ कि 31 जुलाई तक हमारा संचारी रोग नियंत्रण माह चलेगा, जिसके लिए कि 1 जुलाई को किसी भी प्रकार का उद्घाटन समारोह नहीं होगा। किसी भी प्रकार की रैली, प्रभात फेरी, फ्लैग ऑफ या कोई भी बड़ा आयोजन, बड़ी बैठक नहीं की जाएगी। जो भी कार्यक्रम को माइकिंग व्यवस्था के थ्रू जन जागरूकता हम करेंगे, साथ ही निगरानी समिति द्वारा जन जागरूकता समितिकरण में सहयोग दिया जाएगा। सभी जो भी हमारे लोग फील्ड में जाएंगे या बैठक कर रहे हैं, वो उनके द्वारा फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, इस तरह के सामानों का, सुरक्षित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है दस्तक जुलाई 2020 के नाम से। जो भी कार्यक्रम हम करेंगे उसके 2-2 फोटो विद प्लेस नेम के साथ शेयर करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें से लोग, जैसे ही संचारी खत्म होता है, लोग ट्वीट कर लेते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग ट्वीट न किया करें प्लीज। जो इस बार ज़्यादा बदलाव है वो शिक्षा विभाग में है, क्योंकि चूँकि हमारा शिक्षा विभाग में स्कूल बंद है, तो हम इनका प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है। कैसे, आप सभी शिक्षकों को ये ट्रेनिंग देनी होगी नोडल टीचर्स की, कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए, और जो भी हमारे मैसेज हैं, जैसे कि सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच का नुकसान, क्या करें क्या ना करें, क्लोरिनेशन डेमू, पेयजल को उबालना, साबुन से हाथ धोना आदि के विषय के बारे में हम ग्रुप बना के बच्चों को संवेदीकरण करें। स्कूल प्रबंधन समिति की जो मासिक बैठक होती है, उसमें सभी को दिमागी बुखार के बारे में संवेदीकरण किया जाना चाहिए। कैसे अपने घर को जाएगी, कैसे अपना काम करेगी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो भी सवाल बना के, जैसे 10 से 11, 11 से 12 कुंडी वस्तु या सतह को टच नहीं करेगी, छुएगी नहीं, बिना छूते हुए अपने मुख्य संदेश को प्रसारित करेगी। साथ ही साथ 1 से 15 वर्ष के बच्चे जिस घर में हैं, उनके घर पर स्टिकर लगाएगी। वो अपना एलम सेंटर पे एलम के साथ साझा करके ब्लॉक पर जमा करेगी। मिशन डेमो, स्कूल का भ्रमण, इन सब कामों में आशा का सहयोग दिया जाएगा। जैसे केवल तालाब नहीं है, गांव में भी गड्ढा होता है, वहाँ जलभराव होता है, जो है ये गबूजिया मछली इसलिए है तो कम ऑक्सीजन में भी जीवित रहता है।
इसलिए जो वो है ना कि कितने जो ग्रे वाटर कहते हैं जो घर का पानी निकलता है वो इकट्ठा होता जमा होता उसी पे पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं आप तो जंगल में जाकर के तालाब में छोड़ आए तो मेरा काम हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं, बेकार की चीज़ है। हमें जो मच्छर का प्रकोप आबादी के आसपास होगा, आबादी के बीच में ही होता है ज़्यादातर, वहाँ कहाँ कहाँ जल जमा होता है छोटी छोटी आबादी कस्बा में, वहाँ भी डलवाना, वहीं डलवाना मेनली, केवल तालाब में डालने में फायदा नहीं। ठीक है, स्टैग्नेशन से लोग वहीं लारवा पाए। आप कब तक वो भेजेंगे उनका? हम दो सर हम बैठ लेंगे सर के साथ, आप यार बैठ के देखो, दो तीन तारीख से हम शुरू कर देंगे, अभी से दो तीन दिन में ही शुरू कर दें ताकि वो पहुंच जाए हर ब्लॉक में। ब्लॉक में ग्रीन प्रोडक्शन चलते रहे, उस पर जो समय समय पर बीज लेकर के साइमल्टेनियसली आपको भेजते रहना, शुरू कर देना।